अगर आपने बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर या फिर स्टेनोग्राफर का फॉर्म भरा हुआ है तो आप अपना टाइपिंग का तैयारी कर रहे होंगे, या तो आप अपने घर पर तैयारी कर रहे होंगे या फिर किसी इंस्टीट्यूट में जाकर कर रहे होंगे। इंग्लिश की तैयारी करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां तक बात करें अगर हम हिंदी टाइपिंग की, तो आप जानते हैं कि बेल्ट्रॉन जो है वह मंगल के रेमिंगटन गेल कीबोर्ड लेआउट पर टाइपिंग टेस्ट देने वाला है। ऐसे में बहुत सारे मित्र हमारे ऐसे हैं कि जो किसी इंस्टीट्यूट में जाकर वो टाइपिंग सीख रहे हैं, बहुत पहले सीख रहे हैं या फिर नया जाकर टाइपिंग वो अपना क्लास स्टार्ट किए हैं हिंदी के लिए। तो सबसे पहले आपको जानना यह है कि अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में जाकर कंप्यूटर वाले सेंटर पर जाकर आप टाइपिंग सीख रहे हैं तो आपको वहां पर यही कहना है कि आपको मंगल फॉन्ट के रेमिंगटन गेल कीबोर्ड लेआउट पर टाइपिंग सीखना है। अब ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत सारे हमारे मित्र के पास हमारा फोन आया जो हमको बता रहे थे कि उनका हिंदी में टाइपिंग अभी 50 से 55 से 60 के करीब में है, लेकिन जब मैंने उनसे पूछा कि वो किस लेआउट पर सीख रहे हैं तो उनका यही कहना था कि वो कृतुदेव लेआउट पर सीख रहे हैं। तो अब ध्यान रखिएगा, कृतुदेव लेआउट और मंगल फॉन्ट लेआउट दोनों अलग अलग है। हाँ, सेम है, लेकिन 90% सेम है, 10% दोनों में अंतर है, और यही 10% जो अंतर है वो आपको एग्जाम में फेल करा सकता है टाइपिंग टेस्ट में। तो आप ध्यान रखिएगा, आप अगर आप किसी इंस्टीट्यूट पर टाइपिंग सीख रहे हैं तो आपको वहां पर यही कहना है कि आपको मंगल फॉन्ट रेमिंगटन गेल कीबोर्ड लेआउट पर आपको टाइपिंग सीखना है, न कि कृतिदेव पर, क्योंकि तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट में पहले से ही कृतिदेव फॉन्ट जो है वो इंस्टॉल रहता है, इसलिए आपको उसी फॉन्ट पर आपको टाइपिंग सिखाया जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको मंगल फॉन्ट के रेमिंगटन गेल कीबोर्ड लेआउट पर ही टाइपिंग सीखना है, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे के वीडियो में आपको हम पूरा समझाएंगे कि कीबोर्ड कृतिदेव जो है उसका फॉन्ट में और मंगल फॉन्ट के रेमिंगटन गेल में आपका क्या क्या अंतर है, वो मैं आपको पूरा समझाऊंगा आगे के वीडियो में, आप पूरे वीडियो में बने रहिएगा। लेकिन आपसे फिर मैं कहूंगा कि अगर आप किसी इंस्टीट्यूट पर टाइपिंग सीख रहे हैं तो वहां पर आपको यही कहना है कि आपको मंगल के रेमिंगटन गेल कीबोर्ड लेआउट पर टाइपिंग सीखना है, और आपको अगर घर पर सीख रहे हैं तो मैं आगे आपको एक वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि आप घर बैठे फ्री में ऑनलाइन कैसे मंगल फॉन्ट के रेमिंगटन गेल कीबोर्ड लेआउट पर टाइपिंग सीख सकते हैं आराम से, और अपना बेल्ट्रॉन का एग्जाम आप क्रैक कर सकते हैं। तो आइए आपको लेकर चलता हूँ अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर और दिखाता हूँ कि कृतिदेव और मंगल फॉन्ट में क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या विसमानताएं हैं, मतलब कि आप क्या क्या उसमें अंतर देखने को मिलेगा। और थोड़ा सा अंतर है, लेकिन वही थोड़ा सा अंतर जब आप जाइएगा बेल्ट्रॉन के ऑफिस में एग्जाम देने के लिए, और वहां पर अगर आप थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाइएगा तो आप एग्जाम में फेल हो जाइएगा। तो ये जरूरी हो जाता है आपको जानने के लिए कि कृतिदेव में और मंगल फॉन्ट में क्या क्या अंतर है। आइए छोटा सा वीडियो से आपको हम ये स्पष्ट कर देते हैं। तो भी आप देख सकते हैं, जो ऊपर आपका लेआउट दिखाई दे रहा है यह हिंदी रेमिंगटन गेल का लेआउट है, और जो नीचे आपका लेआउट दिखाई दे रहा है वह कृतिदेव 010 का लेआउट है। बहुत लोग हिंदी टाइपिंग करने जाते हैं किसी इंस्टीट्यूट में तो उनको यहाँ पे कृतिदेव 010 पर ही उनको टाइपिंग सिखाया जाता है, क्योंकि हर जगह यही फॉन्ट उपलब्ध होता है। तो सब लोग जानते हैं कि मैं हिंदी टाइपिंग कर रहा हूँ, लेकिन बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं टाइपिंग सीखने, तो वहां पे उनसे कहिए कि आपको हिंदी रेमिंगटन गेल कीबोर्ड लेआउट पर आपको टाइपिंग सीखना है, क्योंकि आप देखेंगे तो कुछ तो सिमिलैरिटी है इस दोनों लेआउट में, लेकिन कहीं कहीं आपको जरूर अंतर देखने को मिलेगा। तो अगर आप कृतिदेव 010 पर आप किसी इंस्टीट्यूट में सीख रहे हैं और आप बाई चांस जाइएगा कहीं बेल्ट्रॉन के ऑफिस में अपना टाइपिंग एग्जाम देने के लिए, तो वहां पे एक दो जो भी लेटर होगा उसके चलते ही आप मात खा सकते हैं, आप नर्वस हो सकते हैं और एग्जाम में फेल भी हो सकते हैं। तो आपको यह ध्यान देने की बात है कि आप जहां भी टाइपिंग सीख रहे हैं वहां पे आप हिंदी रेमिंगटन गेल कीबोर्ड लेआउट पर ही टाइपिंग सीखिए, और कोई आप सॉफ्टवेयर पर या और कोई फोन पर आप टाइपिंग नहीं सीखिए, यह आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि सारे इंस्टीट्यूट में कृतिदेव 010 पर ही आपको टाइपिंग सिखाया जाता है। और आप जानते हैं कि आपका स्पीड बढ़िया है तो आप सोच रहे हैं कि आप पास हो जाएंगे, तो बेल्ट्रॉन के ऑफिस में जाकर आप हो सकता है कि मात खा जाए, आपसे टाइपिंग ना हो पाए। तो आइए देख लेते हैं कुछ सिमिलैरिटी इसमें, क्या क्या आपको सिमिलैरिटी देखने को मिलेगा और क्या क्या यहाँ पे अलग है। अब यहां देखेंगे आप कृतिदेव 010 में आपका ए से एस से डी से एफ से जो भी आपका यहां पे मिल रहा है अक्षर, वो यहां पर आपका हिंदी रेमिंगटन गेल भी मिल जाएगा, सेम टू सेम आपको देखने को मिलेगा। डी से क है, यहां भी डी से क है, एफ से आपका हर्षई है, फिर थ है, यहां भी एफ से हर्षई आधा थ है, जी से ह है, ल है, यहां भी आपका वही है। तो आपको सेम टू सेम देखने को यहाँ पे मिलेगा होम रो। फिर नीचे आप आइएगा तो नीचे वाला भी लगभग लगभग आपको वही देखने को मिलेगा, लेकिन छोटा सा आपको अंतर यहाँ पे शायद देखने को मिल सकता है, नहीं तो साफ आपका वही है।
फिर आप नीचे वाले रो में आइएगा तो नीचे भी आप देखिएगा कि जेड, फिर एक्स है, सी है, वी है, बी है, यहाँ भी सब आपको लगभग लगभग सेम टू सेम ही दिखाई देगा नीचे वाला रो भी। अब ऊपर वाले रो में चलेंगे आप तो ऊपर वाले रो में भी आप देखेंगे तो क्यू से फ है, डब्ल्यू से आपका उ है, तो ये भी आपका सेम टू सेम लगभग देखने को मिल सकता है। लेकिन आपको अंतर कहाँ देखने को मिलेगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ आपको अंतर देखने को मिलेगा, ये इंटर के ऊपर वाला बटन जो है यहाँ पर वो आप देख सकते हैं यहाँ पर ध है, और लेकिन आपको रेमिंगटन गेल में यही ध आपको मिलेगा सीधे सबसे ऊपर वाला बटन यहाँ के टैब के ऊपर वाला में, और यहाँ टैब के ऊपर आपको री देखने को मिलेगा, लेकिन आपका हिंदी रेमिंगटन गेल में टैब के ऊपर आपको ध देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे कुछ आपको अंतर देखने को मिल सकता है। वही बात करें री आपका रेमिंगटन गेल में तो री आपको देखने को मिलेगा ये ख के ऊपर, और यहाँ पर आपको री देखने को मिलेगा टैब के ऊपर। तो यहाँ पे कुछ आपका सबसे ऊपर वाला रो जो है आप देखेंगे जो न्यूमेरिक की है ऊपर वाला, ये इस न्यूमेरिक की में आपको अंतर बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, कुछ कुछ बटन यहाँ पे आप देखेंगे कि अंतर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये है कुछ अंतर, तो ये है कुछ डिफरेंस हिंदी रेमिंगटन गेल और कृति देव में। आपको ऊपर वाला जो रो का बटन है उसमें आपको कुछ अंतर देखने को मिलेगा, और यहाँ पर इंटर के बगल वाला जो बटन है यहाँ पे कुछ अंतर देखने को मिलेगा, बस बाकी सब सेम टू सेम है। होम रो और नीचे वाला रो, अपर रो, ये लगभग दोनों में सेम ही है हिंदी रेमिंगटन गेल और कीबोर्ड में कृति देव में। बाकी जो ऊपर वाला नंबरिक की है उसमें आपको अंतर देखने को मिल जाएगा आपको रेमिंगटन गेल और कृति देव में। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आप अगर जहाँ भी टाइपिंग अपना तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर आप कृति देव पर कर रहे हैं तो आप अभी से सतर्क हो जाइए, क्योंकि कृति देव और हिंदी रेमिंगटन गेल में जो भी मंगल फोन का रेमिंगटन गेल है उसमें अंतर है, और सबसे ऊपर वाला रो जो है आपको देखने को मिलेगा जो न्यूमेरिक रो है उसमें आपको अंतर देखने को मिलेगा। तो आप जहाँ कहीं भी जाएं टाइपिंग सीखने तो आप ध्यान रखें कि आपको हिंदी रेमिंगटन गेल पर ही टाइपिंग सीखना है।